हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सलोनी और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द कप। और कल की वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपकी स्किन एक्चुअली किस टाइप की है एंड आपको अपनी स्किन पे किस टाइप का प्रोडक्ट यूज करना है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। सो आपको ये सारी बातें कल की वीडियो देख के समझ आ गई होंगी। अगर आपने मेरी कल की वीडियो अब तक नहीं देखी है, मेरी लास्ट वीडियो अब तक नहीं देखी है व्हाट इज योर स्किन टाइप, देन आप अभी जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड। व्हाट एसिड इज फॉर यू, इज फॉर योर स्किन, कौन सा एसिड आपकी स्किन के लिए बना है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हो स्किन पे, देन उसके साइड इफेक्ट्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं। बहुत कोई तो बहुत ज्यादा एलर्जिक कर देते हैं, एलर्जिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको प्रॉपर एसिड के बारे में पता हो कि आपकी स्किन टाइप के लिए कौन सा एसिड सुटेबल है। करते हैं सैलिसिलिक एसिड की। गाइस, सैलिसिलिक एसिड हमारे लिए ऑयली स्किन के लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है। आपने बहुत बार सैलिसिलिक एसिड के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली एक ऐसा एसिड होता है जो आपकी स्किन से आपका जो ऑयल बाहर निकाल देता है, एक लाइक कहते ना, एक स्किन के बीच में और आपकी जो इंटरनल स्किन होती है और जो एक्सटर्नल स्किन होती है उसके बीच में ना एक ऑयली स्किन में ग्लू सा थोड़ा थोड़ा सा ना वो प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्किन में। सो सैलिसिलिक एसिड हेल्प करता है उस ग्लू को बाहर निकालने के लिए और जो आपके एक्सटर्नल, जो आपकी इंटरनल स्किन है, जो आपकी ग्लोइंग स्किन है, उसको वो बाहर निकालने की पूरी पूरी कोशिश करता है सैलिसिलिक एसिड। एसिड यूज करने से आपके जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस होते हैं वो ब्लैक हेड्स। जिन लोगों के सन डैमेज हो जाता है, आपने देखा होगा आर्म्स पे, बैक पे सन डैमेज हो जाता है या फेस पे भी बहुत ज्यादा सन डैमेज हो जाता है, उस केस में फैल्यूलिक एसिड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। फैल्यूलिक एसिड में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके सन डैमेज को रिड्यूस करती हैं एंड आपको देखती है एक ग्लोइंग इफेक्ट। हाउ इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड गाइस एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है लैक्टिक एसिड में। जो ओल्ड लोग होते हैं या जिनमें एज इफेक्ट, प्री एज इफेक्ट आ जाता है, जिनके स्किन में बहुत ज्यादा झुर्रियां झुर्रियां सी हो जाती हैं, सो लैक्टिक एसिड उनके लिए बेस्ट है। लैक्टिक एसिड रिड्यूस करता है एंड एजिंग इफेक्ट को। लैक्टिक एसिड सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैक्टिक एसिड जो इम्प्रूव करता है आपके स्किन टेक्सचर को। तो अगर कोई सेंसिटिव स्किन वाले कुछ भी प्रोडक्ट ने यूज नहीं कर सकते, आई नो सेंसिटिव स्किन पे कुछ भी यूज करो तो पिंपल्स, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, बट अगर आप लैक्टिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो मे बी वो ज्यादा यूजफुल रहेंगे स्किन के लिए। साथ ही में एक मैंडेलिक एसिड भी होता है। मैंडेलिक एसिड आपके इसी टाइप के लिए होता है, सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए होता है, जो आपके स्किन टेक्सचर को अच्छा बनाता है। कहते हैं फ्रेंड्स ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। ग्लाइकोलिक एसिड रिड्यूस लाइक योर ब्लेमिशेस, योर डल स्किन एंड प्रोड्यूस योर ग्लोइंग। ग्लाइकोलिक एसिड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी डलनेस, जिनके स्किन में डलनेस होती है, जैसे कि ड्राइनेस वाली स्किन के लिए ले लो या ऑयली स्किन वालों के लिए ले लो। जब स्किन में डलनेस हो जाती है, बहुत ग्लोइंग इफेक्ट नहीं रहता है, तो उसके लिए ग्लाइकोलिक एसिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोजिक एसिड, कोजिक एसिड हाइपर पिगमेंटेशन के लिए अच्छा होता है, डार्क स्पॉट्स के लिए अच्छा होता है। किसी किसी लोगों के यहाँ पर या चिक्स पर या ये आई, अंडर आई डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उनके लिए कोजिक एसिड बेस्ट है। तो आप वो प्रोडक्ट्स खरीदिए जिनमें कोजिक एसिड आपको मिले। क्वेश्चन इज, हम इस एसिड्स को कैसे यूज करें, हमें ये एसिड्स कहाँ से मिलेंगे, इनका कोई पर्टिकुलर जेल आता है या क्रीम आती है, या हर प्रोडक्ट में हम पीछे पढ़कर देखेंगे कि या इस प्रोडक्ट में ये वाला एसिड है। सो गाइज, इन सभी एसिड्स के, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मार्केट में हर स्किन टाइप के, हर स्किन प्रॉब्लम के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बस आपको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है। एंड अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप मार्केट में जाइए, अपने लिए हर एसिड्स के जेल मिलते हैं वहां पर। अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उन जेल्स को खरीद सकते हो एंड उसको उसमें। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको बहुत फायदा पहुंचाए एंड ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे। तो कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करो, कोई भी आप प्रोडक्ट परचेस करो, तो उससे पहले जरूर ये पता लगा लीजिए कि आपको बेसिकली किस स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए या आपको किस एसिड के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए। खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
मत भूलना। और जो रेड वाला बटन है उसको दबाने के कोई चार्जेस नहीं होते। एंड उसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिएगा। एंड उसमें जो ऑल ऑप्शन आता है उसको जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सो आप मेक श्योर कि ये प्लीज करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।